कोशिशें ही कामयाब हुआ करती हैं। इस कहावत को पीएम मोदी ने भी अपनी जिद से सच साबित कर दिखाया है। भारत में डिजिटल पेमेंट की मुहिम की जो लोग मजाक उड़ाते थे, अब उन्हीं को करारा जवाब मिला है। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत ने यूके, चीन और जापान जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। FIS के सर्वे के हिसाब से भारत डिजिटल पेमेंट प्रणाली में 25 देशों में सबसे विकसित माना गया है। इस सर्वे में दुनिया भर में अकेले भारत के IMPS सिस्टम को फास्टर पेमेंट इनोवेशन इंडेक्स यानी FPII में लेवल 5 पर पाया गया है। भारत में UPI के जरिए डिजिटल पेमेंट का आंकड़ा भी हर महीने तेजी से बढ़ रहा है। दिसंबर 2017 के दौरान ये रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ 14.5 करोड़ पर पहुंच गया। बीती तिमाही में UPI के जरिए डिजिटल पेमेंट का आंकड़ा इस प्रकार रहा है। डिजिटल पेमेंट को और बढ़ावा देने के लिए 1 जनवरी से पीएम मोदी ने डेबिट कार्ड, भीम ऐप और दूसरे पेमेंट गेटवे से 2,000 रुपए तक के लेन देन पर सभी चार्ज खत्म कर दिए। कुछ और आंकड़े भी बताते हैं कि भारत में डिजिटल पेमेंट किस तरह से लोगों की पसंद बन रहा है। पीएम मोदी के इस सपने से न केवल पैसों के लेन देन का तरीका हाईटेक और आसान हो रहा है, बल्कि इससे भ्रष्टाचार और काले धन पर भी रोक लग रही है।